कल हमने क्या किया था कि हेड ऑन इलास्टिक, ये अपना हो गया था। यस सर। ठीक, अब दूसरा है हेड ऑन इन इलास्टिक। मैंने तुम्हें कहा था कि किसी भी तरह का इलास्टिक कोलिजन हो, उसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस कभी नहीं होता। इसी तरह से किसी भी तरह का इन इलास्टिक कोलिजन हो, उसमें जो बॉडीज हैं वो कोलिजन के बाद सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करने लगते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो साथ में स्टिक हो जाएंगे। एक मिनट, जरा होल्ड करते हैं। आवाज आ रही है सबके? हाँ, यस सर। तुम ये देखो कि हमने पढ़ा था कि जो जो इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो उसमें बॉडी एक साथ कोलिजन के बाद में स्टिक हो जाती है। ठीक है। यस सर। अच्छा, हेड ऑन का मतलब या वन डायमेंशनल का मतलब क्या है? कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो सेम रहे। ठीक, हाँ सर। कुछ नहीं करना, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, बस उठा के इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के इक्वल रखना। ये ध्यान रखना, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर इनमें से एम टू लेफ्ट की तरफ चलती है तो उसका मोमेंटम हमें फिर नेगेटिव लेना पड़ेगा, मतलब इसमें साइन कन्वेंशन का तुम्हें स्पेशली ध्यान रखना। ओके सर। ये हो, इस एक ही इक्वेशन से इन इलास्टिक कोलिजन की पूरी वर्किंग शॉर्ट आउट हो जाएगी। दूसरा, ये जो ये है जो इलास्टिक कोलिजन था, उसमें हमें दो इक्वेशन लिखनी पड़ती। रिपीटेडली तुम्हें बार बार लिख के दिखा रहा हूँ, जिससे भी होगा तुम कंफ्यूज ना। एक ये थी, एक थी वी टू माइनस वी वन इक्वल टू यू वन माइनस यू टू, वेलोसिटी ऑफ रिसेप्शन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन की इक्वेशन को यूज करके आई थी, अगर तुम्हें याद। यस सर। मतलब हेड ऑन मतलब वन डायमेंशनल इलास्टिक, और वन डायमेंशनल इन इलास्टिक में कोई डाउट होगा मुझे बता दो। बोलो। ठीक, नो सर, अभी डाउट नहीं। अब है फिर इसके बाद में हेड ऑन सेमी इलास्टिक कोलिजन।
हेड ऑन सेमी इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जो बॉडीज हैं वो कोलिजन के मतलब जो सेमी इलास्टिक कोलिजन है ये इंटरमीडिएट सिचुएशन है इलास्टिक और इनइलास्टिक के बीच में. जो ये सेमी इलास्टिक है ये इलास्टिक और इनइलास्टिक के बीच की कंडीशन. अगर हम कहते हैं इलास्टिक तो हम यहाँ क्या लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज कॉन्स्टेंट. अगर हम कहते हैं इनइलास्टिक तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये मैक्सिमम एनर्जी इज लॉस्ट. ये इंटरमीडिएट है जो सेमी इलास्टिक. यस सर. ये इंटरमीडिएट सिचुएशन. देखो इसमें क्या होता है अब ध्यान से देखो यहां V2 - V1 = U1 - U2. वेलोसिटी ऑफ रिसेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. एग्री हो ना बॉस? यस सर. अगर तुम्हें यहां पर दिखाई देता हो तो V2 - V1 upon U1 - U2 = 1. यस सर. अगर तुम इनइलास्टिक को डील कर रहे हो तो इनइलास्टिक में तुम देखो कि यहाँ V2 - V1 = 0 है. यस सर सेम हो जाएगी. क्यों 0 है? क्योंकि भैया V2 = V1. यस सर. तो अगर तुम यहाँ पे V2 - V1 upon U1 - U2 का रेशियो देखो तो कितना है? 0 आ जाएगा. सेमी इलास्टिक कोलिजन में ये रेशियो क्या होता है? इसको हम ई कहते हैं. जो ई है सर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. हाँ ई जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ठीक है. और जो ई की वैल्यू है ये इससे तो छोटी होती है पर इससे बड़ी होती मतलब ये इनके बीच में. यस सर. तो जब हम हेड ऑन सेमी इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे तो सेमी इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि जैसे हम सभी अब तक के हेड ऑन वन डायमेंशनल इलास्टिक या इनइलास्टिक में जो हमने चीजें लिखी है वो एज इट इज रहेंगे. मतलब मोमेंटम यहाँ भी कंजर्व होगा. तो यहाँ पे देखो एफ एक्सटर्नल तो यहाँ पे भी वर्क नहीं करते तो यहाँ पे भी पी इनिशियल पी फाइनल इक्वल M1U1 + M2U2 = M1V1 + M2V2. ठीक है. ये इक्वेशन तो मैं यहाँ पे भी लिखूँ एंड और सेमी इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक में होता था V2 - V1 = U1 - U2. मैं इन दोनों को सॉल्व करता था.
अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ इसके साथ, ओके सर। ठीक। तो हमें इलास्टिक वन डायमेंशन में दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती थी, मोमेंटम कंजर्वेशन की और वेलोसिटी ऑफ रिसेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इन इलास्टिक वन डायमेंशनल में हमें एक ही इक्वेशन से काम चल जाता था, क्योंकि वी वन और वी टू दो नहीं होते थे, एक ही वेरिएबल होता था, तो बाकी उसी से काम चला। और सेम इलास्टिक कोलिजन में हमें ये दो इक्वेशन साइमल्टेनियस लिखनी पड़ेगी और इन दोनों इक्वेशन से हमारी सेम इलास्टिक की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है? ओके सर। तो मतलब अब ये बताओ कि हेड ऑन वन डायमेंशनल के हमने इलास्टिक, सेमी इलास्टिक और इनइलास्टिक तीनों केस कर, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद में टू डायमेंशनल मतलब ऑब्लिक का टू डायमेंशनल शुरू करने उसके तीन केस हैं, ठीक है? ऑब्लिक कोलिजन में मैंने तुम्हें बताया था कि ऑब्लिक कोलिजन टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। टू डायमेंशनल में क्या होगा कि जो जो कोलाइडिंग बॉडी है वो कोलिजन के बाद में अपनी लाइन ऑफ मोशन बदल लेती है। ये इनिशियल लाइन ऑफ मोशन थी, ये अब दो नई फाइनल लाइन ऑफ मोशन क्रिएट होगी और कोलाइडिंग बॉडी एक ही प्लेन में रहती है, ये कहलाता है टू डी ऑब्लिक। और अगर सपोज कीजिएगा कोलाइडिंग बॉडी लाइन ऑफ मोशन बदलने के साथ में कोलिजन के बाद में प्लेन भी बदल लेती है, तो ये कहलाता है थ्री डी ऑब्लिक। अब टू डी ऑब्लिक और थ्री डी ऑब्लिक में अपन को तो सिर्फ टू डी ऑब्लिक पढ़ना, टू डी ऑब्लिक में फिर तीन केस पढ़ेंगे, इलास्टिक, सेमी इलास्टिक और इन इलास्टिक, ठीक है? ओके सर। रिया? यस सर। तुम्हारे शहर में जैसे कॉमन ट्रेंड जो है, मतलब जैसे जो लोग फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मतलब कौन से बुक डिस्कस करा रहे हैं जो जेई के लिए पढ़ा रहे हैं? प्रदीप कराते हैं। कौन सी? प्रदीप। प्रदीप पढ़ाने से क्या कोई आईटी निकलती है? इनको ये बात की अकल नहीं है? एचसी वर्मा नहीं पढ़ाते? सर हमें तो कहते, नो सर एचसी वर्मा नहीं पढ़ाते थे। और केमिस्ट्री वगैरह में? सर केमिस्ट्री में तो कहा है कि कोई भी साइड बुक कर सकते हो। नहीं, एक तो होता है कि तुम कहीं से भी कर लो, पर एक तो मतलब क्लासेस में तो एक को रेफर करके चलना ही पड़ेगा, नहीं तो हम इससे काम करेंगे क्या? सर जैसे वो पढ़ा देते हैं, उनके पास ऑलरेडी होते होंगे नोट्स, तो वो उसी से पढ़ा देते हैं और साइड बुक से क्वेश्चंस करने को कह देते हैं। मतलब नॉर्मली बच्चे कौन सी बुक कंसल्ट करते हैं? सर अलग अलग है, कोई एन अवस्थी या वी के जायसवाल से करता है, कोई प्रदीप से, कोई एबीसी से। मतलब ये आरसी मुखर्जी वगैरह नहीं कोई करता? सर जितने भी बात हुई है मेरे से तो उनसे, उन्होंने तो नहीं। ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कोई आरसी मुखर्जी को रिकमेंड नहीं करता, या फिर पी बहादुर सर की जो बुक है उसको रिकमेंड नहीं करता? सर एन अवस्थी कही थी अगर और ऑर्गेनिक के लिए एमएस चौहान कर रही हूँ सर। तुम एक काम करना, तुम ये दो बुक भी ले लेना। ओके सर। ये जो ये है आरसी मुखर्जी, ये इन्हीं की है, भारतीय भवन पब्लिकेशन की। यस सर। और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ही है, मतलब ज्यादा इसमें थ्योरी वगैरह नहीं? यस सर। और ये जो पी बहादुर सर की, इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल ये दोनों की आती है? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों की? ना, ये खाली फिजिकल की है। यस सर, सी फिजिकल की है। हाँ, मतलब ये दोनों तुम ले लेना, ये सही है। ओके।
पूरे शहर का यही हाल है या मतलब कोई भी एक आध कोई बंदा ऐसा है कि जहाँ थोड़ा डिफरेंस होता हो? सर अभी मैथ्स के टीचर करा रहे हैं एदास गुप्ता से। नहीं वो तो चलो फिर करें, मैं नहीं, मैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। सर केमिस्ट्री के तो वही अच्छे मार्क्स। फिजिक्स में सब जगह यही है, पूरा भी फंडामेंटल बिजली है सब जगह। यस सर, बाकी एक आकाश की कोचिंग है वहां पे वो मॉड्यूल कराता है। पर टेक्स्ट बुक की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं, टेंथ बुक को कराने में इंटरेस्ट नहीं। क्या सर? मैं कह रहा हूँ कि ढंग की बुक कोई कराने में इंटरेस्टेड नहीं। नो सर, एच सी वर्मा नहीं कराते। तो सारे इतने बड़े शहर में तो एक्सप्लोर में कराता ही नहीं। पहले जब दिक्कत होती थी तो स्कूल के सर से पूछ लिया करती थी। चलो ये टू डायमेंशनल ऑब्लिक है, ये इलास्टिक को हम पहले डील करेंगे, फिर इसमें भी इन इलास्टिक और फिर सेमी इलास्टिक इसी तरीके से आएंगे पैटर्न बाय पैटर्न, ठीक है? मतलब ये लास्ट वर्किंग है इसकी, इसके बाद ये चैप्टर ना टू डायमेंशनल ऑब्लिक के बाद खत्म हो जाएगा, तो तुम इसको 2 या 3 दिन में फटाफट न्यूमेरिकल खत्म कर लो, तो मैं फिर इसके बाद रोटेशन शुरू कर दूंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके सर, मतलब कोशिश करना कि इसके न्यूमेरिकल थोड़ा जल्दी खत्म कर पाओ। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि सेम किस्सा है वो, पर चूंकि यहाँ टू डायमेंशनल ऑब्लिक है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लाइन ऑफ मोशन है बॉडी की वो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद अलग अलग होगी। जैसे एक बॉडी इस तरफ ट्रेवल कर रही है u1 स्पीड से एट एन एंगल अल्फा, मास था m1, दूसरी बॉडी ये जो इस तरफ ट्रेवल कर रही है वेलोसिटी है u2, मास है, ये कोलिजन के बाद में पता चला कि एक इस तरफ जाने लगी। मतलब वो कोई मैं रेंडमली मार्क कर रहा हूँ कि ऐसा कोई इशू नहीं कि कौन किस तरफ जाएगा। ये सपोज करो यहाँ थीटा और एक फिर उधर की तरफ जा रही है v2 वेलोसिटी से, ये सपोज कीजिएगा ये है यहाँ पे एंगल फाइव, ये m2, ये m1। मतलब तुम ये मत सोचना कि ये जैसे तुम्हें m1 दिखाई दे रही है कि ये तो मैं बताया था तुम्हें, मतलब तुम कभी ये सोच रहे हो कि ये तो इधर जा रही है और ये इधर, तो ये कोलाइड कैसे कर जाएंगे आपस में, ये बात दिमाग में आ रही है? हाँ यस मतलब तुम ऐसा सोचो कि मैंने ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखाई है, मतलब ये इनकी जो प्रेजेंस है वो यहाँ है, कोई जरूरी कोई है। देखो m2 इस तरफ आ रही है, इधर कोई तो जा रही है m2, नहीं समझे भाई? हाँ सर, m2 की अगर तुम डायरेक्शन ऑफ मोशन देखोगे तो m2 की डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन सी है? m2 की डायरेक्शन ऑफ मोशन यही तो है। यस सर, तो इस डायरेक्शन ऑफ मोशन में अगर सपोज कीजिएगा m2 यहाँ पे है इस जगह, तो यस वो तो इधर को आ रही है और m1 इधर को चली गई, तो यहाँ को लाइट तो कर जाएंगे दोनों के दोनों, सर, नहीं समझे? आ गया सर। मतलब भाई एक इधर से आ रही थी तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन मैंने यहाँ पे मार्क कर दी, एक इधर से जा रहा था ये, तो ये दोनों एक दूसरे को कट तो कर रहे हैं यहाँ पे इनके पास, यस सर, तो मतलब तुम ऐसा मत समझना कि मैंने उनको एक रो में दिखाया है तो भैया ये तो ऊपर चला गया, ये नीचे कोलाइड कहाँ होगा। बेसिकली मैंने डायरेक्शन ऑफ मोशन मार्क की इनसे, तो यस वही है देखो यहाँ पे भी एफ एक्सटर्नल है नहीं, तो किसी भी तरह का कोलिजन हो हर कोलिजन में क्या करना है, मोमेंटम कंजर्व करना। अब जैसे हेड ऑन 1 डायमेंशनल में सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग मोमेंटम था तो हमने एक ही एक्सिस का कंजर्व कर दिया था। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे दो अलग अलग डायरेक्शन है तो हमें दोनों डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा।
यस M1 U1 cos alpha plus M2 U2 cos beta, ये इनिशियल मोमेंटम था एक्स एक्सिस पे, M1 V1 cos थीटा प्लस M2 V2 cos phi, ये इक्वेशन फर्स्ट। बोलो समझ आया ना, आ गया सर। एग्री हो ना इस बात। यस सर। अब दूसरा केस इसमें ये है कि एफ एक्सटर्नल वर्किंग मोड में नहीं है, तो मोमेंटम को वाई एक्सिस पे भी कंजर्व कर देंगे, मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस इनिशियल और मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस फाइनल, ये भी तो सेम है। वाई एक्सिस पर M1 U1 साइन अल्फा, अब जरा यहाँ थोड़ा फोकस तो में रहना है, M2 U2 साइन अल्फा, M2 U2 साइन बीटा, ये बताओ पॉजिटिव लिखूँ या नेगेटिव लिखूँ। नेगेटिव लिखेंगे। मैं ऐसा लिख देता हूँ तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे, क्योंकि वो वेक्टर होने की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, तो मैंने उसको नीचे मार्क कर दिया। यस सर। दूसरा यहाँ पे माइनस M1 V1 साइन थीटा प्लस M2 V2 साइन फाइव, ये इक्वेशन नंबर टू। तो हम दो इक्वेशन तो ये लिखेंगे, ठीक है। यस सर। कैसा कोलिजन है ये, इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन की फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। काइनेटिक एनर्जी के अंदर कर दूंगा भैया, हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2। तो बेसिकली अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में तुम्हें देखने को मिलती है, तो हमें ये तीन इक्वेशन है जो हेल्प करेंगी किसी भी अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट करने में, दो एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम और एक काइनेटिक एनर्जी का, समझ गए ना। यस सर। मतलब कुछ भी ऐसा ऐड से रॉकेट साइंस नहीं। अब इसमें जो इनइलास्टिक का केस है उसमें मतलब मुझे लगता नहीं कि कराने की उसको जरूरत है, समझ जाओगे तुम काम से। तो टू डायमेंशनल इनइलास्टिक, इसमें जैसे ये U1 स्पीड से इधर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, अल्फा एंगल है, इस तरफ बीटा एंगल है, तो ये दोनों के दोनों इनइलास्टिक में एक ही साथ मर्ज हो जाएंगे और पता चला किसी भी एक तरफ चले जाएंगे v स्पीड से थीटा एंगल पे या फाइव पे। बोलो। यस सर। तो देखो ये इनइलास्टिक है, तो इसमें से तुम्हें दिख रहा है यहाँ वहां v1 और v2 दो वेरिएबल थे, उसमें से एक तो वैसे ही रह गया, यस सर। तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना, एक्स एक्सिस पर मोमेंटम कंजर्व करना है और वाई एक्सिस पर मोमेंटम कंजर्व। बोलो ये बात समझ आ रही है, यस सर। एग्री हो ना सब लोग इससे, जी सर। मतलब मैं लिखू तो ना इसे आगे, नो सर। तो इसमें होगा फिर सेमी इलास्टिक, टू डायमेंशन के लिए।
जून एट एन एंगल राइट, B1 स्पीड एट एन एंगल बीटा, बोलो कोई प्रॉब्लम है। सेमी इलास्टिक में मैंने तुम्हें बताया था कि हमें पढ़ना होता है मोमेंटम तो सब में कंजर्व रहना है, ये समझो कि एफ एक्सटर्नल नहीं है तो पी एक्स आई इक्वल टू पी एक्स एफ और पी वाई I इक्वल टू पी वाई एफ, इससे तो तुम बच नहीं सकते, ये तो लिखना ही लिखना, एग्री हो ना इस बात? यस सर। तो ये दो इक्वेशन तो मैं यही लिख दूंगा जो पीछे लिख दिया मैंने, यही ये इलास्टिक में मैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लिखूंगा और उसके आगे फिर ये जो सेमी इलास्टिक में जैसे आएगा तो वहां मुझे कोएफिशिएंट ऑफ रेसिप्रोकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेसिप्रोकेशन यहाँ थोड़ा सा ना ध्यान से लिखना पड़ता है, क्या होता है वेलोसिटी ऑफ रिसर्शन, रिजॉल्व अलोंग कॉमन नॉर्मल, और ये होता है यहाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिजॉल्व अलोंग कॉमन नॉर्मल। इसका जरा ठीक से एक बार मीनिंग समझो, ये मैं क्या लिखता हूँ, देखो जब ये बॉडी कोलाइड कर रही है जैसे ये है और ये है, तो तुम देखो एक होता है जंक्शन पे कॉमन टेंजेंट, उसके परपेंडिकुलर होता है कॉमन नॉर्मल, यस सर। तो तुम्हें इस डायरेक्शन में वी टू माइनस वी वन और यू वन माइनस यू टू लिखना, समझ रहे हो? यस सर। जैसे यहां पर मैं लिखूंगा तो वो हो जाएगा वी टू कॉस फाइव माइनस वी वन कॉस थीटा, अपॉन ये हो जाएगा यू वन कॉस अल्फा माइनस, इससे हम ई कैलकुलेट कर, ओके सर। अब ये बता दो कि यहां तक तुम्हें किसी को कोई डाउट या कोई परेशानी है? सर एक सवाल था हाँ हाँ बोलो सर, अगर इसके बजाय हम वेलोसिटी के वाई में कंपोनेंट्स लेके ई निकालेंगे तो सेम ही आएगा? नहीं, ई से तो उससे तो निकाल ही नहीं सकते ना, क्योंकि जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है हम ये मानते हैं कि इस तरफ तो टेंजेंशियल डायरेक्शन की तरफ तो मतलब वेलोसिटी का चेंज होना ही नहीं, क्योंकि इधर की तरफ तो फोर्स है ही नहीं ना, यस सर। तो वाई एक्सिस के अलोंग हम बस कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही लेना, ये जाना ओके सर। मतलब वाई एक्सिस हो या एक्स एक्सिस हो उससे मीनिंग नहीं है, कॉमन नॉर्मल के अलोंग रहना है चाहे वो वाई एक्सिस पे हो चाहे एक्स एक्सिस पे हो, जैसे ये बॉडी इधर जा रही है एक इधर आ रही थी मान लो, तो जब ये जंक्शन पे ऐसे मीट करेंगे ये, तो देखो कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन जो होगी ना वो ये हो जाएगी, यस सर। ये ना एक्स एक्सिस है ना वाई एक्सिस, यस सर। बस तुम्हें ये याद रखना है कि ये जो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो है ये हमें टू डायमेंशनल ऑब्लिक में कॉमन नॉर्मल के अलोंग कंसिडर करना है। ओके सर।
देखो हेड ऑन वन डायमेंशनल का इलास्टिक डिस्कस हो गया, सेमी इलास्टिक डिस्कस हो गया और इनइलास्टिक, इसके भी ये तीनों डिस्कस हो चुके हैं। यहाँ पे इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन था और वी टू माइनस वी वन इक्वल टू यू वन माइनस यू टू, यहाँ पे इसकी रेशियो 1 थी और यहाँ पे इसकी रेशियो 0 थी। ऑब्लिक टू डायमेंशनल हम डिस्कस कर चुके हैं, इलास्टिक भी सेमी इलास्टिक भी और इन इलास्टिक भी। सेमी इलास्टिक में यहाँ ई की जो वैल्यू है वो हमने कॉशियसली अभी डील करी है कि वो हमें कॉमन नॉर्मल कह रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पर इसोलेट, ठीक है सर। यस अब इसमें एक बहुत छोटा सा एक लास्ट आर्टिकल बचा है कि जब कोई बॉडी फ्लोर वगैरह से स्ट्राइक करती है तो और वो रिबाउंड होती है, ठीक है, तो वो होगा तो इससे ऑब्लिक से ही डील, जैसे कोई बॉडी यहाँ से आई इस एंगल पर टक्कर मारी इसने अल्फा पे तो इधर से लीजिए बीटा एंगल, ठीक है। एक तो हमें ये वाला यस केस सर करना है, फिर ये है कि अगर ये ऊपर से गिरती है तो रिबाउंड होकर वर्टिकल कितनी हाइट तक जाएगी, टोटल फिर अगर इनलास्टिक ऐसे गिरते 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 फाइनली रेस्ट पे आ जाती है तो इसमें वो टोटल यस डिस्टेंस ट्रेवल करके इसमें जीपीवी भी बनती है थोड़ी बहुत, तो मैं इसको कल डिस्कस कर लूंगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब अब तुम इसके न्यूमेरिकल कर लेना करीब करीब 25 तक, ठीक है। तो ओके सर भी तुम लोग फेस्टिव सीजन में ही बिजी रहो, मतलब देखो फेस्टिवल्स तो हर साल आते हैं पर ये तुम्हारी लाइफ का ना सबसे बड़ा फेस्टिवल टाइम चल रहा है अभी, कहीं एक बार ठीक से सेलेक्ट हो जाओ पूरी लाइफ में मुश्किल लगे। ठीक है सर, एक तो सारे के सारे लोग उसकी थ्योरी कॉपी कर लेना, दूसरा सारे के सारे लोग थ्योरी कॉपी करके 20-25 के आसपास फिर न्यूमेरिकल कर लेना, जो भी होगा फिर मैं इसकी प्रॉब्लम भी डिस्कस करा दूंगा और जो बाकी का टाइम है वो नेक्स्ट लेक्चर में डील कर लेंगे, जो फ्लोर वगैरह से डील, ठीक है, फिर कल खत्म हो जाए। कोशिश करना कि बस 2 से 3 दिन ही लगे तुम लोगों को, सिनेमैटिक में ज्यादा टाइम ना लगे। चलो सर ठीक, कल किस टाइम पढ़ाओगे? कल भाई शाम को ही पढ़ा दूंगा, कल छुट्टी है तुम्हारी? अरे सर छुट्टी है पर सर गोवर्धन भी तो बनाते हैं ना, 10 बजे कौन गोवर्धन बनता है, 10 बजे पढ़ाओगे सर? रात को पढ़ा देंगे, अगर मान लो कोई नियर बाय अपडेट होगी तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, चेक कर लेना बीच में, ठीक ओके सर है। चलो भैया हैप्पी दिवाली सेम टू यू आपको, सर। ठीक है।